गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावा सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, आज अपन कक्षा 12 की हिंदी साहित्य शुरू करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपके, ये आपके 16 नंबर का है, जिसमें आपके चार चार नंबर के चार प्रश्न आएंगे, यानी टोटल आपके 16 नंबर का ये पार्ट जो है वो है। अपन है जो धीरे धीरे करके एक एक करके इस हिंदी साहित्य के इतिहास, लेकिन मित्रों इसमें भी आपके पूरा इतिहास नहीं है, केवल जो आधुनिक काल है वही है जो 12वीं के सिलेबस में है। आधुनिक काल से जो पहले का खंड है वो आपने कक्षा 11 में है जो उनका अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन आज अपन आधुनिक काल को शुरू करेंगे। उनसे पहले कुछ बातों को समझते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके परीक्षा में 16 नंबर का और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, तो इनको आप व्यवस्थित है जो पढ़ने की कोशिश करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो ये साहित्य शब्द है ये साहित्य के अंदर यह प्रत्यय जुड़ने से साहित्य शब्द बना है, यानी मूल शब्द सहित है। सहित को भी आप अगर अलग अलग करना चाहो तो स प्लस हित प्लस ये, इनसे मिलकर के बना है आपके साहित्य, यानी जिसमें हित निहित हो, जिसमें हित निहित हो वो साहित्य है। अब साहित्य किसे कहते हैं, वैसे ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि शब्द और अर्थ से युक्त जिनमें कम से कम दोष हो और अधिक से अधिक गुण हो उस रचना को अपना साहित्य कहते हैं। अब बात अपना साहित्य नहीं है, अपने बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो ये अपन ने देखा कि साहित्य शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर के बना है। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनको मुख्य रूप से आपने अगर कक्षा 11 में ये आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, यानी कि कब हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा गया, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में आपने ये चीज़ें भी पढ़ी होगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में है जो बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका आदिकाल, उसके बाद में आपका भक्तिकाल, उसके बाद है रीतिकाल, और फिर आपका आता है आधुनिक काल। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि अपन जो पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य को के इतिहास को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उनमें से पहला काल जो है उसको आदिकाल, मैंने जो नामकरण लिखा है ये सर्वमान्य जो नामकरण है वो लिखा गया है। हालांकि इस काल के जो आपने ये कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना गया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको है जो वीर गाथा काल कहा, तो किसी ने इसको है जो चारण काल कहा, किसी ने इसको है जो संधि काल कहा, तो किसी ने है जो इसको विभिन्न नामों से बीज वपन काल, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये अलग अलग नामों से जाना गया। इनका जो समय है वो 1050 से लेकर के 1350 विक्रमी संवत,
यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण सर्वमान्यता के आधार पर आदिकाल मतलब होता प्रारंभिक, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है वो इस आदिकाल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका जो समय सीमा है उसकी वो है 1050 से लेकर के 1375 तक विक्रमी संवत, ये जो समय सीमा है ये लगभग लगभग अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आपका आता है भक्ति काल। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको है जो मध्य काल कहा, और मध्य काल के उन्होंने दो भेद किए कि जो पूर्व मध्य काल है, पूर्व मध्य काल, और जो रीति काल है उसको इन्होंने कहा उत्तर मध्य काल। ठीक है, अब जो इसकी समय सीमा है भक्ति काल की वो है 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। रीति काल की बात करें तो रीति काल की जो समय सीमा है वो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल जो है वो 1900 से लेकर के आज तक कह सकते हो आप। मित्रों, मैं आधुनिक काल को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें एक भूमिका के रूप में बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वर्गीकरण है उनको अपन चार भागों में बांटते हैं। पहले आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर के 1375 तक, यानी यही वो समय है जब हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद में आता है भक्ति काल। अपन ने ये पढ़ा कि भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल भी कहा और भक्ति काल भी कहा, और ये जो नामकरण है ये प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया गया है कि भक्ति काल में यानी 1375 से लेकर के 1700 तक का जो समय था उस समय में जितनी रचनाएं प्राप्त हुई उन रचनाओं में अगर सर्वाधिक कोई रचनाएं प्राप्त हुई है तो वो किन से संबंधित थी, भक्ति से संबंधित थी। उसके बाद में आपका आता है रीति काल। रीति काल जो इसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, और इनका जो समय है वो 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का इनका समय है। और रीति काल में भी अलग अलग तीन धाराएं थी, आपको पता होगा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसके बाद में जो 1900 विक्रमी संवत के बाद में यानी आप सन 1843 के बाद में मान सकते हो, कुछ विद्वानों ने हालांकि 1857 माना है, उस युग को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल कहा जाता है। अब इनका नामकरण किसने क्या रखा उनको अपन देखेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार पुनः वापस इन पर अपन जो दृष्टि डालते हैं कि आदिकाल में आपने देखा होगा इस समय में प्रमुख रूप से रासो साहित्य लिखा गया, और इसी रासो साहित्य के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम है जो उन्होंने वीर गाथा काल रखा। ठीक है, इसके अलावा जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा, क्योंकि इस समय में नाथ और सिद्ध साहित्य भी लिखा गया, तो उन्होंने कहा कि ये सिद्धों का धार्मिक क्षेत्र में और सामंत जो राजनीतिक क्षेत्र में थे उनके आधार पर उन्होंने इसका नामकरण है जो सिद्ध सामंत काल किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीज वोपन काल किया, उन्होंने इस आधार पर कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनका जो बीजारोपण है वो इस काल में हुआ, इसलिए उन्होंने इस काल को बीज वोपन काल भी कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा, क्योंकि इस समय के जो ज़्यादातर कवि थे वो चारण जाति से थे, इसीलिए इस काल को उन्होंने चारण काल कहा। अब बात आती है भक्ति काल की, तो ये नामकरण तो जो भक्ति काल है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और ये जो आदिकाल नाम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है जो सर्वमान्य नामकरण है। उसके बाद में ये भक्ति काल जो है इस भक्ति काल में भी आपने देखा होगा कि इस समय में भक्ति भावना प्रधान थी, और जो भक्ति थी वो भी दो भागों में थी, एक थी सगुण काव्यधारा, एक थी आपके निर्गुण काव्यधारा। आप जानते हो सगुण का मतलब है ना जहाँ पर जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह होती है और भगवान को सगुण या शाश्वत मान करके जहाँ पूजा की जाती है वो तो सगुण भक्ति है, और निर्गुण भक्ति
निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि वहां पर भगवान को, ईश्वर को निराकार माना जाता है। अब इस सगुण के भी आगे दो भेद थे, राम भक्ति और इधर है ये कृष्ण भक्ति। अब राम भक्ति में देखें तो प्रमुख इनके जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास है, ठीक है। कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, तुलसीदास। इनकी प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है वो रामचरितमानस है, अवधी भाषा में लिखा गया। फिर कृष्ण भक्ति का जो प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास है। अब यहाँ अगर भाषा की बात करें तो जो राम भक्त कवि है मित्रों, उनकी जो भाषा थी वो ज़्यादातर अवधी भाषा में इन कवियों ने है जो अपना लेखन किया है, और जो कृष्ण भक्त कवि है इनकी भाषा है जो ब्रज थी। उसके बाद में बात आती मित्रों रीतिकाल की, तो जो ये रीतिकाल आपका है, इस रीतिकाल को भी तीन भागों में, जो रीतिकाल के कवि थे उनको रीतिबद्ध धारा, तीन धाराओं में बंटे हुए कवि थे। रीति सिद्ध और रीति मुक्त। मित्रों अगर बात करें तो इस समय में जो भी कवि हुए, मुख्य बात तो यह है कि इस समय के कवि ज़्यादातर जो भी कवि थे वो सब दरबारी थे, यानी इस समय में हमारे देश का जो वातावरण है वो इस प्रकार का हो गया था कि कवि लोग जो है वो राजाओं के दरबार में रह करके क्या करते थे, राजा का मनोरंजन करने के लिए या तो उनके बड़ा चढ़ा करके उनका यशोगान करते थे, या फिर है जो वो क्या करते थे, नायिका का वर्णन यानी नायिका के नक्श का वर्णन करके, और यही उन रसिकों की यानी जो उनको राज्याश्रय देते थे उनको आनंदित करने के लिए इस रीतिकाल के कवियों ने काम किया। इनका है जो समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं था, तो उसमें तीन धाराएं थी रीतिबद्ध यानी जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर के और रीति ग्रंथों की रचना की है वो रीतिबद्ध कहलाए। रीति सिद्ध यानी जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की लेकिन उन्होंने है जो अपने रचनाओं में, अपनी रचनाओं में रीति के जो लक्षण है उनका प्रयोग किया है। और तीसरा जो है रीति मुक्त, इस रीति मुक्त में इन्होंने रीति के लक्षणों का कोई है जो ध्यान नहीं रखा, जैसे रीति मुक्त में गदानंद है, रीति सिद्ध में बिहारी है, तो इस प्रकार से। उसके बाद में बात आती है अपने आधुनिक काल की, तो यह है जो अपने पूर्व भूमिका पढ़ी कि हिंदी साहित्य को, जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अपन ने कक्षा 11 में आदिकाल को पढ़ लिया, भक्तिकाल को पढ़ लिया और रीतिकाल को पढ़ लिया। ये बातें तमाम जो है इन बातों को अपन ने है जो कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अपने जो 12वीं कक्षा में आपके जो है सिलेबस में है वो है आधुनिक काल, यानी यहाँ तक का अध्ययन अपने कक्षा 11 में कर लिया है। अब अपन आगे आधुनिक काल जो है उसका अध्ययन कक्षा 12 में करेंगे और वही आपके सिलेबस में है। आधुनिक काल, अब कुछ विद्वान हालांकि इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने तो 1843 से प्रारंभ होता है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जो 1857 से प्रारंभ माना है। अब देखिए आधुनिक काल जो है, सबसे पहले तो ये जो आधुनिक नामकरण है इसको एक बार इनका नामकरण देख लेते हैं, तो राम चंद्र
शुक्ल ने इसको है जो गद्य काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनके इतिहास ग्रंथ को पढ़े बिना हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना अपने आप में एक चुनौती है। तो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि जो आधुनिक काल है इसका इन्होंने नामकरण क्या किया, गद्य काल। इन्होंने ये कारण बताया कि इस समय में है जो गद्य काल प्रचुर मात्रा में लिखा गया और इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस काल का नामकरण उन्होंने गद्य काल किया। लेकिन मित्रों, अपन अगर देखें तो इस काल में केवल गद्य रचना का ही है जो गद्य साहित्य का ही सृजन नहीं हुआ, पद्य भी बहुत सारा है जो लिखा गया, जिसमें आप द्विवेदी युग देखते हैं, छायावाद देखते हैं, प्रगति प्रयोगवाद जो भी देखते हैं। तो अगर अपन इस युग का नाम गद्य काल रखेंगे तो जो पद्य लिखा गया वो है जो उसकी क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण है जो क्या कर दिया, आधुनिक काल उन्होंने कहा कि इस काल को गद्य काल कहना उचित तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन इस काल को गद्य काल कहेंगे तो इस समय में लिखा गया पद्य काल जो है वो उपेक्षित माना जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो साहित्य है, ये जो समय है, इसको आधुनिक काल कहना चाहिए। आधुनिक काल इसलिए कहना चाहिए कि इस समय की जो प्रवृत्तियां हैं, इस काल के काव्य की जो विशेषताएं हैं वो रीति काल से बिल्कुल अलग है। मित्रों, आपने ये चीज पढ़ी है कि रीति काल में केवल दरबारी साहित्य लिखा जाता था, केवल श्रृंगारिकता को है जो महत्व दिया जाता था, रीति काल के कवियों का आम जीवन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु ज्यादातर है जो नायिका को ही है जो बनाया, लेकिन इस समय में आकर के, आधुनिक काल में आकर के, नायिका को छोड़ करके कवियों ने पहली बार अपनी कविता की जो विषय वस्तु है वो जनजीवन को बनाना प्रारंभ किया। तो इस दृष्टि से, यानी विशेषताओं की दृष्टि से, उन्होंने, एचपी द्विवेदी ने कहा कि इस काल को है जो आधुनिक काल कहना चाहिए, क्योंकि जो वर्ण्य विशेष से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में जो इस समय का साहित्य है वो रीति काल के साहित्य से अपने आप में अलग है, इसीलिए इसको है जो आधुनिक काल कहना उचित रहेगा। मिश्र बंधुओं ने इसे है जो वर्तमान काल कहा। मिश्र बंधुओं ने जो इस काल का नाम है जो वर्तमान काल रखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने है जो आधुनिक काल के नाम से ही इस समय को है जो संबोधित किया है या इनका नामकरण रखा है। तो ये अपन ने देखा कि आधुनिक काल जो अपने 12वीं के सिलेबस में है, उस आधुनिक काल का समय जो है वो 1843 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और नगेंद्र के अनुसार देखें तो 1857 से प्रारंभ होता है, जैसे आप ये मान सकते हो सर्वमान्य। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने तो हालांकि इस काल का नाम क्या रखा था, गद्य काल रखा था। उन्होंने कहा कि इस समय में गद्य है वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया, इसलिए इस काल का नामकरण गद्य काल होना चाहिए। लेकिन बाद में विद्वानों ने यह कहा कि नहीं, अगर इसको आप गद्य काल नामकरण रखोगे तो जो इस समय में पद्य रचनाएं लिखी गई उन पद्य रचनाओं की उपेक्षा मानी जाएगी। इसलिए उन्होंने फिर कहा, एच बी द्विवेदी और जो अन्य लोग थे उन्होंने, कि इस काल का नामकरण तो है जो आधुनिक काल करना चाहिए, क्योंकि इस समय की जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी वो निश्चित रूप से रीति काल से अलग थी और इसी आधार पर इसका नामकरण है जो आधुनिक काल ही है जो सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। मिश्र बंधुओं ने इसका नामकरण है जो वर्तमान काल किया। अब मित्रों, अपन आधुनिक काल को भी छोटे छोटे भागों में
और जो डिवाइड किया गया है उनके बारे में अपन है जो अध्ययन करते हैं। और ये अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। आधुनिक काल को आगे कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, तो उसके आधार पर पहला है भारतेंदु युग, जिसको है जो नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। इनका समय है समय 1857 से मान लो या 1843 से मान लो, जो भी ठीक है ना, 1843 से लेकर के 1900 ये मित्रों ईस्वी सन है तक है जो इनका टाइम है। एंड जो आधुनिक काल का, आधुनिक काल के जो विभाजन है ठीक है ना, उसमें आपके पहला है भारतेंदु युग, या जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने है जो पुनर्जागरण काल कहा है। इसका समय जो है वो 1843 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय माना जाता है। दूसरा जो आपके है वो है द्विवेदी युग, या मित्रों इसको है जो नगेंद्र ने नाम दिया है जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या नाम दिया है, जागरण सुधार काल। इनका जो समय है वो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक है। तीसरा है छायावाद, या इसको है जो सांस सांस्कृतिक जागरण काल कहा जाता है। इनका जो समय है वो 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक है। चौथा है प्रगतिवाद, जिसको है जो राज नीति का जागरण काल कहते हैं। इनका समय जो है 1938 से लेकर के 1943 तक है। प्रगतिवाद में आपका आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, इसको है जो शहरी मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन। इनका जो समय है 1943 से लेकर के 1952। प्रगतिवाद के बाद में है आपका
साठोत्री कविता, इसको है जो साठोत्री कविता, इसको है जो आधुनिक बोध की कविता भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो समय है वो 1952 से लेकर के 1960 ईस्वी तक है। फिर आती है आपकी नई कविता, इसको है जो मोहभंग की कविता भी कहते हैं। इसका जो समय है वो 1960 से लेकर के 1975 तक और 8 नंबर पर है। समकालीन कविता जनवादी कविता इसको कहते हैं। और इसका जो समय है 1975 से लेकर के अब तक। ये मित्रों अपन ने पढ़ा कि आधुनिक काल जिसको अपन मानते हैं 1857 के बाद में या 1843 से लेकर के और वर्तमान समय तक आज तक, इस जो काल विभाजन है इसको अपन देखते हैं किसके अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है वो अपन है जो देखने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों ये जो मैं आपको काल विभाजन पढ़ा रहा हूं, ये काल विभाजन आपका काव्य के आधार पर है, यानी ठीक है ना, यानी केवल पद्य के काल विभाजन अपन पढ़ रहे हैं, इसमें मित्रों गद्य की कोई बात अपन नहीं कर रहे हैं। जब अपन गद्य पढ़ेंगे तो उसमें है जो प्रत्येक गद्य की विधा जो है, जैसे उपन्यास है तो उसमें अपन प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान करके लिखेंगे, बाकी में और अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो काल विभाजन है ये पद्य के आधार पर है। सबसे पहला जो युग है वो भारतेंदु युग है, या जिसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, 1843 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। फिर दूसरा युग जो है द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल कहा जाता है, 1900 से लेकर के 1918 तक। तीसरा जो है वो छायावाद है, या जिसको सांस्कृतिक जागरण का काल कहते हैं, ये 1918 से लेकर के 1938 तक है। फिर उसके बाद चौथा जो युग है वो प्रगतिवाद है, जिसको राजनीतिक जागरण काल भी कहते हैं, ये 1938 से लेकर के 1943 तक है। उसके बाद प्रयोगवाद, जिसको शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहा जाता है, और इसका जो समय है वो 1943 से लेकर के 1952 ईस्वी तक है। उसके बाद साठोत्री कविता, जिसको जो आधुनिक बोध की कविता भी कहा जाता है, ये 1960 से लेकर के 1975 तक है। उसके बाद में नई कविता मोहभंग की कविता, 1960 से लेकर 1975 तक। और फिर आती है समकालीन कविता या जनवादी कविता, जो 1975 से लेकर के आज तक है। अब मित्रों इसमें अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, उस समय के प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे, और क्या क्या और विशेषता हैं उन समस्त चीज़ों को अपने जो व्यवस्थित देखेंगे। ये जो नामकरण है इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, कुछ नामकरण तो ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के आधार पर रखे गए हैं। जैसे भारतेंदु युग जो है ये भारतेंदु हरिचंद्र के नाम पर ये रखा गया, जिनको है जो आधुनिक गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, और इनका जो समय है वो 1850 से लेकर के 1886 तक है। तो उनके महिमा मंडित व्यक्तित्व के आधार पर इनको है जो भारतेंदु युग कहा गया। उसके बाद में ये द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही सही अर्थों में काव्य भाषा के रूप में
खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। और मित्रों ऐसा भी कहते हैं कि इनको है जो कवि कम और एक सुधारक ज़्यादा कहा जाता है, तो उनके आधार पर ही इसका जो ये समय सीमा रखी है या इस टाइम पीरियड को है जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में छायावाद या सांस्कृतिक जागरण काल, यह है जो एक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है। प्रगतिवाद ये भी प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है, जिसको राजनीतिक जागरण काल भी कहते हैं। प्रयोगवाद या शहरी मध्यम वर्गीय, यह भी प्रवृत्ति के आधार पर साठोत्तरी कविता, नई कविता और समकालीन कविता, यह जो समस्त नामकरण है यह है जो एक प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर दिए गए नामकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आप लिखें और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझने की है जो कोशिश आप करें। तो मित्रों आज की अपनी इस क्लास में अपन ने ये तमाम बातें पूर्व भूमिका से लेकर के ये पढ़ी कि किस प्रकार से जो आधुनिक काल है उनको भी आगे खंडों में विभाजित किया गया है, और जो आधुनिक काल में भी जो कविता का कालखंड है या जो काव्य को आधार मान करके जो काल विभाजन अपन ने किया है इसके बारे में एक एक को लेकर के अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।